दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगा, जो बहुत बड़ा टिप तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीनन पता है कि आप लोग मुझे बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भी ऐसी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और मैं सोचा जब आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो एक्चुअली होता है क्या, इस टाइप के ब्लूटूथ हेडफोन्स को यूज करते हो, जो कि ये नेक बैंड वाले हेडफोन आते हैं, इस तरह पहन के आदमी यूज करता है, लेकिन आपको पता है कि इसे जब हम रखते हैं तो हमें काफ़ी डर लगा रहता है कि कहीं कोई, अगर आपके घरों में चूहे होते हैं तो वो इसके तार को कतर सकते हैं, या फिर बच्चे होंगे तो वो इसे तोड़ भी सकते हैं। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जहाँ पे कपड़े वगैरह टांगते हैं, जैसे यहाँ पे हम कपड़े टांगते हैं, तो यहाँ पे इसे ऐसे टांग देते हैं या फिर अपने बैग में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर एक उपाय है, जो मतलब नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले बता दिया था छोटी सी टिप है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस टाइप की एक चीज़ को आप ले सकते हैं, जो मार्केट में आपको 5 रुपये का मिलता है। ये एक स्टिक हो जाता है, मतलब इसके पीछे एक चिपकाने वाला डबल साइडेड टिप लगा होता है, जो कि स्टिक हो जाता है, और ये काफ़ी टफ हार्ड होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि गिर जाए एक बार चिपकने के बाद। ये देखिए, मैं काफ़ी अच्छे से दबाव से खींच रहा हूँ, फिर भी ये नहीं उखड़ रहा है। इस टाइप का आप चीज़ लेके अपने हेडफोन्स को यहाँ पर लगा सकते हो, और ये दोस्तों आपके सिर्फ हेडफोन को रखने के ही काम में नहीं आएगा, बल्कि आप इसे अपने, अगर हेडफोन को चार्ज भी करते हो तो उस समय भी ये आपके हेडफोन को चार्ज करने के भी काम आ सकता है। ये देखिए, जैसे कि मैं अपने हेडफोन्स को यहीं पे रखता हूँ और यहाँ पे चार्ज करता हूँ, तो इस तरह से मेरा हेडफोन भी सेफ रहता है। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने पहले ही बोला था छोटी सी टिप है मेरी तरफ से, तो इसलिए आप इसको वो मत लीजिएगा। आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बात को बताने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात उनके दिमाग में, हो सकता है ना जाए, और वहाँ कांटी ठोकने लगेंगे दीवार में, तो उससे आपकी दीवार भी खराब हो सकती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिसको इस टाइप के किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका इसी तरह सपोर्ट बना रहिएगा। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।